नमस्कार जनप्रिय, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसी के दरमियान उनके बयान। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडे हमारे आदर्श हैं और बीजेपी आरएसएस के आदर्श वीर सावरकर हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। और हालांकि ये पहली बार ये बयान नहीं है, इस बयान को लेकर कई मतबा बीजेपी और कांग्रेस में आपसी द्वंद्व हो चुका है। उनका यह भी कहना था कि हम उनको आदर्श मानते हैं, सरदार पटेल, नेहरू जी, गांधी जी, जो कभी अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। खैर, लेकिन और इसके साथ में जब उनसे पूछा गया कि आप जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने हिमाचल को लेकर के कहा, हिमाचल में गए नहीं, गुजरात की बात है तो गुजरात को लेकर के कहा कि मैं मेरी यात्रा में अभी व्यस्त हूं, जब फ्री हूंगा तो बताऊंगा। यानी कि गुजरात भी जाना मुश्किल है। उधर बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी आखिर चुनाव से दूर क्यों है। तो चले कुछ इस भारत जोड़ो यात्रा, उसका मजमून, राहुल गांधी के बयान, इन चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरआर तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गोविंद छिपा साहब भाजपा से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा गोविंद जी। वीर सावरकर को लेके बीजेपी और आरएसएस पे निशाना साधा है राहुल गांधी ने। उन्होंने बिरसा मुंडे जयंती पर जो कार्यक्रम थे उसके साथ साथ जो सिलसिला जगह जगह चल रहा आदिवासी बेल्ट में, वो महाराष्ट्र के यात्रा पे, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर उनके आदर्श हैं, हमारे नहीं हो सकते, अंग्रेजों से माफी मांगी। हालांकि ये बयान पहली बार नहीं है, कई बार ये बयान आता है सामने। तो दो बातें हैं, या तो वास्तव में वर्तमान पीढ़ी राजनीति की, पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस पर किसी को भी गौर नहीं फरमाना चाहिए, इतिहास के पन्नों में एक पार्टी जाती है तो दूसरी भी फिर जाती है, तो किस तरह से देखा जाए इसे, आए दिन ये चर्चाएं लाजमी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बिरसा मुंडा जी का जो पहली बार सम्मान किया है, मैं तो उसके लिए उन नेताओं को, राहुल गांधी जी को धन्यवाद ही दूंगा कि 70 साल बाद ही चलो उनको याद तो आई कि बिरसा मुंडा जी भी हमारे देश की ही धरोहर हैं। वरना तो इनके तो आदर्श हैं आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी, और राहुल जी के बाद भी अगर उनकी कोई संतान होती तो वो इनके आदर्श रहते। चल अच्छा, अब इनमें जो आपने अभी आपने एक बात कही उसमें कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में ये इन्होंने एक बयान दिया बिरसा मुंडा जी को लेके और वीर सावरकर जी को लेके। देखिए, मैं कम से कम अपनी पार्टी की ओर से एक बयान देना चाहता हूँ, एक ऑथेंटिक बात कहना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हमारे हमारे देश के आदर्श हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, और वीर सावरकर जी भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। दोनों के कार्य करने के तरीके में कुछ फर्क हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता से गुजर रही है कि आपके आदर्श हमारे आदर्श, आपके स्वतंत्रता सेनानी हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अभी मैं अगर इनके अगर मैं नेहरू जी के बारे में बोलना शुरू करूं तो शायद मेरे हमारे जो पूजनीय है तिवारी जी को बुरा लग जाएगा, इनके कपड़े कहां से धुल के आते थे, नेहरू जी रेड वन जी के संबंधों के बारे में तमाम टीवी चैनलों पर क्या क्या चर्चा होती है। मैं नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन राहुल गांधी जी से मेरा इतना निवेदन है कि अपने महापुरुषों की कद्र करना और अपने महापुरुषों की इज्जत करना सीख लें। तिवारी साहब, सुना आपने, नसीहत दे रहे हैं गोविंद छिपा साहब कि राहुल गांधी जी को आदर्शों आदर्श पुरुष जो हैं उनकी इज्जत कैसे करनी चाहिए ये सीखना चाहिए। योगेंद्र भाई, वीर सावरकर कभी देश के प्रेरणा स्रोत रहे ही नहीं। गोविंद छिपा जी, देश को दो राष्ट्रों में बांटने का पहला फार्मूला देने वाला कौन था? हम जिन्ना को तो बदनाम करते हैं। सावरकर ने भी अपनी जिंदगी में यही कहा कि द्वि राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र अलग होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए, वो भारत का प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकता है? जब नेहरू गांधी जेल में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में थे, वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग करके बाहर आ रहे थे, वो कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं? सही कहा राहुल गांधी जी ने, हमारे देश का आदर्श हो सकता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर। सावरकर जी ने तो माफी मांगी, 200 साल तक जिन्होंने भारत के चप्पे चप्पे को रौंदा,
भारत को जो सोने की चिड़िया कहते थे उनको रोंद करके अमेरिका वो ब्रिटेन ले गए सारा धन। वीर सावरकर अपने आप को वीर कहते हैं लेकिन उन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी, ये गोविंद छिपा बता दे, भारतीय जनता पार्टी का आदमी बता दे। स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों लोगों ने अब जेल भरो आंदोलन किया, सैकड़ों लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल गए और 24 साल का बिरसा मुंडा मारा गया, उन्होंने शहीद का दर्जा लिया लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे भारत का आध्यात्मिक कैसा भी वो हमारा आदर्श हो सकता है, सावरकर कौन सी लाइन में है? सही कह रहे राहुल गांधी, पूरा देश जानता है सावरकर के बारे में, कोई देश नहीं जानता, आम आदमी नहीं जानता। ये भारतीय जनता पार्टी द्विराष्ट्र की बात करने वालों को अपना आदर्श मानते हैं और आज कांग्रेस को देखते कि कांग्रेस ने भारत के दो टुकड़े करा दिए। वो तत्कालिक परिस्थिति, लेकिन कह रहा हूं गोविंद छिपा बताओ तो सही, द्विराष्ट्र का सिद्धांत का अपनाने वाले सावरकर जी थे या नहीं थे? उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी या नहीं मांगी? देखिए मैं एक बार जानना चाहूंगा तिवारी जी आपसे भी, आप वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो अंग्रेजों की जेल में माफी मांग करके आ रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी कैसे होंगे ये आप और देश तय करेगा, आम आदमी तय करेगा। उनको क्यों डाला गया था जेल में? सवाल है कि उनके साथ में उस समय देश में आंदोलन चल रहा था आजादी का, सावरकर जी भी गए, उद्देश्य तो उनका ठीक था लेकिन जैसे यातनाएं जो दूसरे नेताओं को या कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, सावरकर जी को ऐसा क्या हो गया था कि उनको माफी मांगनी पड़ी और माफी मांग करके बाहर आए? यही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक जो भी नेता हुआ कर, उस समय भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। योगेंद्र जी, सावरकर जी ने माफी मांगी, आपकी बात तो कुछ कह रहे हैं, आपके सवाल पे कुछ कह रहे हैं। मैं इसमें कहना चाहता हूं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। इनके मुंह से निकल गया कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत की बात भले ही सावरकर जी ने की हो लेकिन देश के टुकड़े इन्होंने कराए। अरे आप लोग लगाते हो वीर सावरकर, आज सावरकर जी ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया नहीं दिया गोविंद छिपा, आप ये बताओ। आप कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाते हो, सावरकर जी की क्या थ्योरी थी? भारत को दो टुकड़ों में बंटवाना चाहते थे, मानने वाले तो आप थे। अब उन्होंने मान लो चलो कि किसी कोई कोई पॉइंट आ गया होगा, कोई एक विषय, आपके जो आदर्श है उन्होंने देश को दो टुकड़ों में बांटने की बात की है नहीं की। आपकी कौन सी मजबूरी हो गई जो उनको उनकी इस बात को मान लिया आपने तत्काली? अरे देश में लाखों लोगों को मारा हुआ आप देख नहीं थे? देश का बंटवारा जब अंग्रेजों ने किया आपकी शय पे किया, क्योंकि द्विराष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने दिया था, अंग्रेजों को मौका मिल गया। जब देश में हिंदू मुसलमानों में आपस में दंगे हुए तो गांधी को नेहरू को मजदूर में कहना पड़ा कि ये खून खराबा बंद करो और दो राष्ट्र बना दो, ये मजबूरी थी। लेकिन देश ने आजादी की लड़ाई में हम सब ने, चाहे आज का वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, सब लोगों ने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले सावरकर जी को आप अपना आराध्य मानते हैं, अजीब सी बात है। कांग्रेस इस बात से कभी सहमत नहीं थी ना है। मोहम्मद अली जिन्ना इनकी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे वो अड़ गए, महात्मा गांधी जी ने उनकी बात को नेहरू जी ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया। मैं उसमें देखिए मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत कैसे आया, उसकी पृष्ठभूमि में बहुत पीछे वो आधे घंटे की डिबेट में वो सब तो अभी नहीं आ सकता जी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर द्विराष्ट्र की बात करते हैं, सावर जी का विषय ले ही आए हैं, तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा अगर करनी है और आपको अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं निकालते भारत जोड़ो यात्रा? अरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो आप लोग, भारत तो जुड़ा हुआ, भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? गोविंद छिपा गए 8 साल से इस देश में जो हालात पैदा किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और सबसे मुख्य उसमें जो सूत्रधार है उसमें है हमारे भारत के लोकप्रिय और विश्व गुरु बन चुके हमारे प्रधानमंत्री। 2014 के बाद में देश में जो एक भय का वातावरण बना है, हम आपस में समुदायों के बीच की बात है। सर वापस आ रहा हूं आपके पास में, अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल ये है, बार बार ये दो बातें मैं अक्सर सुनता हूं कि नेहरू को लेकर के बीजेपी और वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस, कुछ दूसरी पार्टियां भी कहती हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां भी कहती हैं। वर्तमान जनरेशन या वर्तमान लीडरशिप उस वक्त की परिस्थितियों का कुछ एहसास होता है या बस केवल इन मुद्दों को बनाए रखना है?
देखिए अगर मौजूदा युवा टीम को देखा जाए, क्योंकि उस समय की स्थितियां क्या रही, नहीं बुजुर्ग हो चाहे युवा, कोई पीछा नहीं छोड़ना चाहता। जब लगता है कि कहीं पे भी कुछ सगुफा फेंकना है तो बीजेपी नेहरू का नाम उछालती है कि इन लोगों ने ऐसा करा दिया, नहीं तो देश ये रहता। बीजेपी कांग्रेस को लगता है तो सावरकर का नाम उछाल देती है। बिल्कुल, और ये आरोप प्रत्यारोप कई बार लगते भी रहे हैं, खासतौर से नेहरू जी का नाम अगर यहाँ पर देखा जाए। राजनीति के अंदर एक चीज खासतौर से देखने को मिली इन दिनों में, वरिष्ठ नेता जो थे पार्टियों के, उनके ऊपर सीधा लांछन लग रहे हैं। इस बात को पार्टियों को भी देखना होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस के, अगर देखा जाए कांग्रेस को भी देखना होगा कि उनके जो वरिष्ठ नेता थे या दूसरे दल के जो जिनको वो लोग अपने विचारधारा से मानते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति जरूर होनी चाहिए। हालांकि इस राजनीति में भी ये देखा जाता रहा है कि वोट बैंक की राजनीति किधर है। आज महात्मा गांधी का कोई चश्मा ले रहा है, कोई चरखा उसका चला रहा है और कोई लाठी लेकर चल रहा है, लेकिन महात्मा गांधी का जो विचार था उसके कितना आत्मसात करके वो पार्टियां चल रही हैं, ये विचार करने की जरूरत है। चश्मा लेने से और चरखा लेने से शायद वो चीज नहीं बन पाएगी, उनके साथ साथ उनके विचारों को भी आत्मसात करना होगा। आज युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए निकलते हैं, लेकिन संदेश देने से पहले आखिरकार जो सवाल दूसरे नेताओं पर खड़े करते हैं, नेहरू जी के ऊपर जिस तरह से आपने कहा कि नेहरू जी को लेकर बीजेपी की जिस तरह की टिप्पणी रहती है, सावरकर जी को लेकर जो टिप्पणियां चल रही हैं, उनको भी देखना होगा, एक विचार इस वक्त करना होगा कि आखिरकार किस दायरे में उनके ऊपर लांछन लगाना चाहिए या किस तरह से उनके आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि देश की आजादी यूं ही नहीं मिली है, देश की आजादी काफी संघर्ष हुआ है, काफी लोगों के शहीद भी हुए हैं, और इस आजादी के मायने अगर देखे जाए तो बड़े मायने हैं। आज के जो युवा टीम है, भले ही नहीं जानती हो कि इस आजादी के अंदर कितना संघर्ष उस टीम को करना पड़ा, चाहे उस समय कांग्रेस थी या जो भी कांग्रेस के दल के नेता थे, तमाम लोगों ने जी जान वहां पर लगाई थी, काफी संघर्ष वहां पर किया था। तो ऐसे में आजाद भारत है, आजाद भारत का उत्सव अलग होना चाहिए बजाय किस तरह की राजनीति करने। अनिल जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए हम इंद्र तिवारी साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी के का इन्होंने नाम लिया, उन्होंने उनकी सराहना की, बहुत अच्छा किया। न तो अभी वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि थी, न जन्मदिवस था, फिर भी इन्होंने वीर सावरकर जी का विषय लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप शो है, उस फ्लॉप शो को छुपाने के लिए इन्होंने वीर सावरकर जी को ढाल बनाकर उपयोग किया, वरना अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं गए हिमाचल? क्योंकि उस हार से बचना चाहते हैं, इनको हार दिख रही है, हिमाचल में हार दिख रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हार जीत ये तो देखे जनता तय करती है। मैं लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से भी कि कांग्रेस जितना जिक्र करती है भारत जोड़ो यात्रा का, उतना ही आप लोग करते हैं? अगर वो फ्लॉप है या जो भी है, आप लोग क्यों जिक्र करते हैं? आपके कोई पार्टी का नेता हो जिसके हर स्पीच के अंदर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जरूर होता है, तो जनता ये कहती है कि राहुल गांधी का ऐसा क्या फोबिया है कि हर पार्टी के नेता को नड्डा साहब बोलेंगे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, अमित शाह बोलेंगे तो ये, मोदी साहब भी अगर कोई चुनावी सभा बोलेंगे तो राहुल गांधी को याद करेंगे। तो कोई तो वजह होगी कि जो राहुल गांधी के बिना बीजेपी के नेताओं से भी नहीं रहा जाता, उनको लाइमलाइट में तो आप ही रख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप है जो भी है, लेकिन चर्चा तो आप लोग ही करते हैं उनकी। किसको बोलना, मुझे बोलना? हाँ, आप ही बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, चर्चा तो देश में अगर कुछ घटना हो रही है तो उसकी चर्चा तो स्वाभाविक है। तो वो यही तो चाह रहे हैं कि हमारी चर्चा रहे। नहीं, इनकी चर्चा के लिए तो हमारी जरूरत नहीं, इनकी चर्चा तो खुद कर रहे हैं। आज अजय माकन जी ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? कि साहब उस व्यक्ति को आप तवज्जो दे रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ गया। उस जगह नहीं जाऊंगा मैं अभी फिलहाल, क्योंकि समय कम है। अपन उस जगह पे आएंगे, बीजेपी को राहुल गांधी आए नहीं आए, राहुल गांधी चुनावी सभाओं में आते थे तो अक्सर ये बात आती थी कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं निकल रही है। अब वो सभाओं में नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी का मन नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना मजा नहीं आ रहा है। तो आप लोग तय करिए, गोविंद जी आप ही से पूछ रहा हूं मैं, तो राहुल गांधी के बिना बीजेपी बेचैन क्यों है? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी के बिना तो ऐसा है कि देखिए, राहुल गांधी जी बड़ी मनोरंजक टिप्पणियां करते हैं, इसलिए मनोरंजन भी आवश्यक है। अब हम तो ये देखते हैं कि आज का बोले वाला 2024 का वर्ष आपको बताएगा गोविंद छीपा, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के नेता गांधी के नाम से दिन रात दोपहर नींद नहीं आती है,
राहुल गांधी चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, और राहुल गांधी प्रचार के लिए जाते हैं तो गांधी परिवार में गांधी के इन राहुल गांधी की जेब में कांग्रेस है। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं खड़के साहब, उनके नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, हिमाचल में भी बनाएंगे और गुजरात में भी बनाएंगे। कांग्रेस पूरी एक राष्ट्रीय दल है, देश का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना दल है। ये गांधी परिवार की जागीर ही नहीं है। आपने जो बदनाम कर रहा है, आपकी जो व्हाट्सएप फैक्ट्री चलती है आरएसएस वालों की, उसमें आप व्यक्तिगत जितनी निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हो, आप जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, महात्मा गांधी को नहीं छोड़ पाते हो। आज राहुल गांधी के बिना आपको नींद नहीं आती, डर लग रहा है 2024 में वो भारत का ऐसा नेता होगा जो बिना किसी राजकाज के, फिर कह रहा हूं योगेंद्र भाई, अगर राहुल गांधी जी चाहते, अगर सोनिया गांधी जी चाहती तो वो अपने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री बन सकते थे। यूपीए वन में जब पूरे सांसदों ने, जो हमारी यूपीए की सरकार में जो शामिल थे, सबने मिलकर के सोनिया गांधी को अपना दल का नेता चुना था, ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने सिद्ध किया कि गांधी परिवार सत्ता का लालची नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से मनमोहन सिंह जी का नाम आगे किया। और योगेंद्र भाई आपको याद दिलाना चाहता हूं, जयपुर में जब हमारी एसीसी की मीटिंग थी, मनमोहन सिंह जी के 2 साल कार्यकाल पूरे हुए थे, मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, मैं उस मीटिंग में शामिल था जयपुर की बिड़ला ऑडिटोरियम में, उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री बनिए, हम सब आपके साथ में। राहुल गांधी ने कहा नहीं, आप ज्यादा योग्य, देश को आपकी ज्यादा जरूरत है। गांधी परिवार अगर चाहता तो सोनिया गांधी जी भी प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बन सकती थी। और आज राहुल गांधी आजाद भारत के 75 साल में पहला ऐसे बड़े नेता होंगे जो बिना किसी लालच के, जिनको सत्ता की लालच नहीं, वो चुनाव प्रचार में कहां जा रहे हैं। वो देश में जो आज भय का वातावरण है, जो देश में आज महंगाई की चरम सीमा का दौर है, जो देश में आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का दौर है, सांप्रदायिक ताकतों के नाम पर आपने देश को बंटवारा कर दिया, आपने स्वायत्त संस्थाओं को आपने निजीकरण कर दिया, आपकी ईडी आपकी जेब में, आपकी जेब में सवाल है। चले 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 अपने मुद्दे पे, बीजेपी का ये सवाल है कि राहुल गांधी दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये वो राज समझना चाह रहे हैं। नहीं, इन्होंने साढ़े 3,700 किलोमीटर की यात्रा करने का उद्देश्य आप समझते हो कितना बड़ा आत्मबल है। वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, वो देश के वातावरण जो दूषित वातावरण कर रखा है, आज नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है, आज महंगाई के लिए हमारी गृहणियां, मेरी माँ बहनों को 1050 का सिलेंडर मिल रहा है, आज पेट्रोल डीजल के आसमान में दाम चल रहे हैं, जो वादा करके आए थे भारत के प्रधानमंत्री। अब की बार मोदी सरकार 40 रुपए का पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जुमलेबाजी की पार्टी, हम लोग जुमला नहीं कर सकते योगेंद्र जी, हम सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं। हम सत्ता में आए या नहीं आए, एक गर्भवती स्त्री की बात कहना चाहता हूं, जो मां बनती है अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको पता लगता है वो उसका कैसा है परिवार। जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपनी पीढ़ियों को कुर्बान कर दिया वो कांग्रेस पार्टी है। जब हम कांग्रेस वाले लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, उस समय पता नहीं था कि हम अंग्रेजों से, हमको जल्दी आजादी मिल जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो उस समय भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनके मुखबिर बने हुए थे, इनको तो बना बनाया साम्राज्य मिल गया, अखंड राजस्व, अखंड भारत मिल गया, और आज कहते हैं भाई और बहनों 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जहां पढ़ने जाते थे मोदी जी, अमित शाह जी, वो कांग्रेस की देन है, सड़कें कांग्रेस की थी, पीने का पानी की जो भी कोई व्यवस्था थी कांग्रेस ने दी, बिजली दी, IIM दिए, IIT दिए, हमने परमाणु बम बनाने, इंदिरा गांधी ने तो 74 में परमाणु बम का विस्फोट कर दिया, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दुनिया का पहला ऐसा। सर आ रहा हूँ आपके पास में जी, गोविंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके अभी इन्होंने 2 बयान दिए, दोनों में ही कंट्रोवर्सी है। इन्होंने कहा 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने नहीं कहा,
हमने कहा 2024 में आपकी नींद हराम हो जाएगी। आज वो देश की आजादी के देश के अंदर जो कुछ संघर्ष है आंतरिक, आप लोगों ने देश के अंदर विश्वास किया उसको मिटाना चाहते हैं। हमारा अंतिम देनी है, हमारा आखिरी है, नहीं जा रहे। आपने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार तो सरकार बनाएंगे, यही तो आपके पेट में दर्द है। लाखों लाखों आदमी राहुल गांधी की पदयात्रा में चल रहे हैं। क्लियर बंद करने से बिल्ली दूध नहीं पिएगी, ऐसा नहीं होगा। गोविंद जी, उन्होंने ये कहा कि गांधी परिवार या राहुल गांधी चाहते तो यूपीए 1-2 में प्रधानमंत्री बन सकते थे। 2024 में राहुल गांधी बनेंगे नहीं बनेंगे ये नहीं कहा इन्होंने। कांग्रेस के जरूर दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। अब आपने बात कही। आप देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। क्या बात, ये स्वप्न में जीने वाले लोग हैं ये। 2024 हमारा है, पहले 2019 का राग अलापते रहे, फिर 2024 पे आ गए। ये मैं कह रहा हूं अगले 20 साल तक ये लोग नहीं आने वाले हैं। जो इनकी न इनके पास नीति है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नियत है। तो नेता के तो चर्चा आप लोग करते रहते हैं बीच बीच में। अरे सर, नेता की चर्चा तो एक बार बताओ, कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब अब कोई है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है, जो छोटा मोटा शगुफा होता है उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। बात नहीं करेंगे तो आप लोग जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में हमने विधानसभा के 3 उपचुनाव जीते, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस जीती। और नड्डा साहब जो पूरे भारत की बीजेपी को संभालते हैं, केवल वो हिमाचल में जाकर के टक गए। राहुल गांधी गए नहीं, सोनिया गांधी गई नहीं, फिर डर किस बात का? उनको तो एक तरफा जीत हासिल करनी चाहिए। फिर कह रहा हूं, बदलाव का दौर है, पता नहीं लग रहा आपको, अहंकार के अंदर डूबे हो, बड़े बड़े जुमले दे रहे हो। जनता जानती है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगार रोजगार के लिए त्रस्त है, वहां की जनता बदलाव लाएगी। और अगर हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो जेपी नड्डा जी इस्तीफा देंगे क्या? बताओ तो सही आप, हमारे पास खोने को क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के जो अध्यक्ष हैं, आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर वहां पर कांग्रेस जीते तिवाड़ी जी देखिए, कौन इस्तीफा देता है? जब बड़े नेता के ऊपर आंच आती है तो नीचे वाले सब खड़े हो जाते हैं। सभी पार्टियों का यही है कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राहुल गांधी चुनाव से दूर अभी भी मैं देख रहा हूं जनट्री पे चल रहा है कि मेरी प्राथमिकता भारत जोड़ो यात्रा है, तो राहुल गांधी का कोई मैसेज है इससे? देखिए, बिल्कुल एक मिशन जो तैयार किया गया था कि पार्टी राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो जो यात्रा होगी वो विवादों में नहीं आए, या फिर इस मिशन को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसका फोकस कहना कहीं राहुल गांधी का कहा जा सकता है। राहुल गांधी हम देख रहे हैं गुजरात नहीं गए, हिमाचल नहीं गए, और कई कार्यक्रम ऐसे भी रहे जिनको अवॉइड किया गया है, और खासतौर से बयानबाजी में। हालांकि ये सावरकर का बयान आज यहाँ पर दिया गया, लेकिन इससे पहले की अगर तस्वीर देखी जाए यात्रा के दौरान, लगभग 70 दिन से अधिक इस यात्रा को हो गया है, कोई ऐसा बयान शायद सामने नहीं आया था कि जिसमें कुछ विवाद यहाँ पर खड़ा हो। तो ऐसे में पार्टी की ओर से जो एक लाइन यहाँ पर तय की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा किस मिशन पर चलेगी, इस मिशन के अंदर किस तरह से दूरी तय होगी, और राहुल गांधी की इसमें क्या कुछ प्राथमिकताएं यहाँ पर होंगी। क्योंकि अगर देखा जाए, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा मोटो कुर्सी है। हालांकि सामने इस मोटो को नहीं रखा गया हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस जोड़ो, और कांग्रेस जोड़ो के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि 2024 के अंदर कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पर कैसे काबिज हो, ये भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज दिया जाए, जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, और जनता को विश्वास दिला जाए कांग्रेस के प्रति जो उनकी नकारात्मकता है, या फिर कांग्रेस के प्रति जो उनका विश्वास नहीं है, वो विश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है। कांग्रेस ने अब तक जिस तरह से राज किया है, क्योंकि 70 सालों के अक्सर जिक्र बीजेपी करती रही है कि क्या कुछ किया है, लेकिन ये जरूर है कि देश के अंदर काफी कुछ हुआ। जिस देश के अंदर मशीनरी नहीं थी, उद्योग नहीं थे, उस देश में किस तरह से विकास की राह गति यहां पर पकड़ी, और वो जनता के बीच में मैसेज नहीं रहा, तो ये कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने काम किए लेकिन जनता को विश्वास में नहीं ले सकी, और ये कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी एक तरह से खल भी रही होगी कि आखिरकार जनता को क्यों विश्वास में नहीं लिया गया, और जनता ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया जाना चाहिए था वो विश्वास क्यों नहीं किया। अनिल का मानना है तिवारी जी कि प्रचार फीका रहा कांग्रेस का, बता नहीं पाए।
सही कह रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं जनता के बीच में। ये काम भी नहीं करते हैं, तालियां बजवाते हैं, नीचे सवाल लगाते हैं, ऐसा हो पानी लीजिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी। महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं चाहिए? नीचे से यही बीजेपी वाले मोदी मोदी, ये प्रचार तंत्र देश के अधिकांश सेठों के जो टेलीविजन है, चाहे वो समाचार पत्र हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको उन्होंने अपने लाइन में सीधे तान रखा है। देश का ऐसा कोई टेलीविजन नहीं है जहां 24 घंटे में से 18 घंटे तक इनकी झूठ को परोसा नहीं जाता। कांग्रेस का राहुल गांधी आज भी बिना किसी प्रचार के, मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी अनिल जी, भारत जोड़ो यात्रा में देश के तमाम हिस्सों से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, लाखों आदमी जुड़ रहे हैं, सभी वर्गों के आदमी जुड़ रहे हैं, और ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है। हमने कहा ये आम आदमी की यात्रा, कोई भी आ सकता है, विरोधी भी आ सकता है, हमको गाली देने वाला भी आ सकता है। ये भारत में सामंजस्य बैठाने की बात है, भारत की तकलीफों को जानने की बात है। हम लोग उन तकलीफों को जान करके एक नया भारत बनाना चाहते हैं जो भय मुक्त हो, जहां सारे संवैधानिक संस्थाएं काम करें, लोगों को रोजगार मिले, आपस में सांप्रदायिक एकता बनी रहे, गंगा जमनी सभ्यता बनी रहे। सत्ता के लिए हमने नहीं किया, गांधी का दांडी मार्च तो मैंने देखा नहीं, मैं दुर्भाग्य से मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को सौभाग्यशाली है कि आज मैं गांधी की, राहुल गांधी की यात्रा को देख रहा हूं, राहुल गांधी की यात्रा। गोविंद जी को समय कम है, मैं गोविंद जी के पास में जाना चाहूंगा। गोविंद जी, मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दलों को, कोई भी राजनीति में जो महापुरुष रहे हैं, क्योंकि उस वक्त के, आज अगर मोदी जी हैं, मोदी जी के सामने अगर कहीं कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्या परिस्थितियां रहती होंगी, क्योंकि जो लोग संचालित करते हैं उनको मालूम होता है। या अटल जी के टाइम की बात करें, कि कई बार ये बात आती है कि एक टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, उस समय की परिस्थितियां होंगी, इतने लोगों की जान जोखिम में डाली हुई थी ये। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, क्या हो। या तो ये आप मान के चलिए कि देश से दुश्मनी तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी होगी। देखिए मैंने और तो केवल अगर सस्ती लोकप्रियता और केवल बस केवल जवानी, इसको एक एजेंडे को खड़े ही रखना है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का ये बहुत बड़ा एक ओछापन है, सभी राजनीतिक दलों का। देखिए योगेंद्र, वो चाहे वीर सावरकर को लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं गए कि नहीं गए, मैं गया हूं अंडमान, जहां पे सावरकर को जिस लाल, उस समय काला पानी जिसको बोलते थे, आजकल तो वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, उन जेलों को आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि किस तरह से वहां बंदी बना करके रखा गया था। पंडित नेहरू के लिए आप कह रहे हैं कि उनके कपड़े कहां से, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं कि वो खानदानी रईस थे, जेल की सलाखों के पीछे वो भी गए। तो ये आप लोगों को तय करना है कि वास्तव में कि जो देश के आम पब्लिक उन्हें आजादी के सितारे मानती है, आप लोग उनको एकदम ओछेपन में जा रहे हो, कोई किसी के लिए कुछ भी कह रहा है, और एक पार्टी नहीं, दोनों तरफ से आप लोग भी कम नहीं है। आप भी जब जरूरत पड़ती है आप ही कह दिए कि बताइए नेहरू जी कपड़े कहां से धुल के आते हैं, तो बिल्कुल उनको विरासत में मिली थी ये रईसी। देखिए मैंने तो बातचीत की शुरुआत में ही कहा कि राहुल गांधी जी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था। फिर अभी आपने कहा कि आप अंडमान, बहुत मैं आपका सम्मान करता हूं, आप अंडमान निकोबार जाने का आपको अवसर मिला। जिस आदमी को, जिस स्वतंत्रता सेनानी को दो एक बार नहीं दो दो बार लाइफ प्रिजर्वमेंट मिला हो, जिस व्यक्ति को 10 साल बाद ही पता लगा हो कि साथ वाली कोठरी में मेरा सगा भाई रह रहा है, जिस व्यक्ति की ग्रेजुएशन की डिग्री अंग्रेज सरकार ने इसलिए छीन ली कि वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, और जिस स्वतंत्रता सेनानी को एक तिल तिल कर मरने के लिए अंडमान निकोबार में, वहां का मौसम कितना भयावह रहता है, आप तो जाके आए, आपने अनुभव किया है वो, और बाकी कैदियों को समुद्र के किनारे कुछ देर छोड़ दिया जाता था एक्सेप्ट वीर सावरकर जी, क्योंकि अंग्रेज सरकार डरती थी कि यह आदमी बड़ा खतरनाक है, इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, नेहरू जी ने अपनी स्टाइल से देश की सेवा की, देश के प्रधानमंत्री रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इन लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने तिल तिल कर आप लोगों को आपस में तय करना चाहिए। सावरकर के तथ्य मैंने भी देखे वहां जाकर के, आम हिंदुस्तानी
मान के चलता हो, चाहे सावरकर हो चाहे नेहरू हो, उनको आजादी के सितारे ही मान के चलते हैं। लेकिन आप लोगों की ओछापन जो राजनीतिक दलों की मानसिकता है, ओछी मानसिकता, उससे आप लोगों को सबको बाहर आना चाहिए। वास्तव में आजादी के प्रति देखिए, चाहे वो नेहरू हो चाहे सावरकर हो, उस समय किसी को पता नहीं होगा कि व्यक्तिगत हित है कि नहीं है। देश की आजादी एक ही मुझे लगता है सबका मकसद था। अब वो कोई किस अंदाज में कर रहे थे, कोई किस अंदाज में कर रहे थे, हम तो उनके प्रति वो भाव भी अगर नहीं रख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि केवल हमारा एक स्वार्थ है। वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप लोगों को समझना चाहिए। हम लोग जब चर्चा करते हैं और बाहर लोग देखते हैं, मखौल उड़ाते हैं कि राजनीतिक दलों की सोच देखे, और मैं जनाब आपको भी बता देता हूं कि जब आप लोग लगातार कहते हैं 70 साल, फिर याद दिलाया गया कि 70 साल में तो अटल जी की भी सरकार रही है और भी दूसरे प्रधानमंत्री रहे, अब आप लोग 60 पे आ गए, कुछ तो होगा। हर चुनी सरकार कुछ ना कुछ करके जाती है, आप लोगों को भरोसा होना चाहिए। और अटल जी के अलावा मोदी जी खुद ने भी कहा कि इस देश के योगदान में हर सरकार का कुछ, फिर आप लोग क्यों मंच से कहते हैं ये बात? हाउस में कुछ अलग कहते हैं, मंच पे चढ़ते ही आप लोगों को कुछ अलग ही गुरूर स्वरा होता है कि नहीं देश में कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ चीजों को रेस्पेक्ट के साथ में रखना चाहिए। चुनी सरकार जनता ने चुनी है, अगर आज अटल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए तो बिल्कुल जनता ने चुना है, और पहले अगर कोई प्रधानमंत्री रहा तो जनता ने चुना होगा, थोपा हुआ नहीं है कोई भी। तो ये एक रेस्पेक्ट है वो डेमोक्रेसी का, जो आप सब लोगों को करना चाहिए, और उन लोगों के प्रति भी जो वास्तव में आजादी में जिनका योगदान रहा है। तो मैं माफी चाहूंगा, समय का कम है, समाम अतिथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।